हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है जल्दी। हम इट्स ऑलरेडी 6:15 और मैं जा रहा हूँ BMW की ऑफ रोड ट्रेनिंग के लिए। वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि ये लोग ट्रेनर को एक्चुअली जर्मनी से बुलाते हैं और ही विल ट्रेन यू ऑन बेसिक एज वेल एज ऑन एडवांस स्किल्स। तो चलिए चलते। प्लान ये है कि हम लोग सब मिलेंगे BMW के शोरूम पे और वहाँ से जाएंगे हम यहाँ पर एक जगह है कॉल्ड हत्ता माउंटेन्स। एक मिनट, ये ट्रेनिंग होने वाली है दो हिस्सों में। तो पहली है L1 और L2 विच इज़ बेसिक एंड इंटरमीडिएट, और इसके बाद नेक्स्ट वीकेंड पे होने वाली है एडवांस्ड। सो चलिए अभी चलते हैं, बाइक को वार्म अप करते हैं और बाकी की बातें रास्ते में करते हैं। फोन कहाँ छोड़ दिया मैंने, गाइज लेफ्ट द फोन। कोई फटाफट भागना पड़ेगा वापस, क्योंकि अब हम हो गए लेट। टाइम पे निकले थे बट ये गड़बड़ हो गई, फोन छूट गया एंड नाउ वी आर लेट। कुछ ना कुछ तो होना ही है अपने साथ। बट चलिए गाइज, आई थिंक स्टिल देर आर अबाउट 12-13 मिनट्स बिफोर दे ऑल स्टार्ट, सो मोस्ट प्रोबेबली मैं पहुंच ही जाऊंगा, बट देखते हैं, आपको रास्ते में मिलते हैं। चलिए सो जैसे तैसे हम टाइम पे पहुंच गए, लेट्स मीट द राइडर्स एंड मूव फॉरवर्ड गाइस। हाय गुड अमित, या अमित, हाय गुड। ओके सो हियर वी गो गाइस, यहाँ से करीब 7-8 राइडर्स हैं साथ में, और बाकी के राइडर्स डायरेक्टली पहुँच रहे हैं। एक पेट्रोल पंप पे रुकने की बात हुई थी वहाँ हत्ता में, तो कुछ राइडर्स हैं जो डायरेक्टली हमको हत्ता में मिलेंगे। तो चलिए गाइस, रास्ता एंजॉय करते हैं और आपसे रास्ते में बातें करते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा मैं कैमरा ऑन कर दूँगा, बाकी लेट्स एंजॉय द राइड इन द मॉर्निंग। हे गाइस, क्या मॉर्निंग है, बाय गॉड अमेजिंग वेदर। और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर इट्स सपोज टू बी 4-5 डिग्री नीचे, और मज़ा आने वाला है, और साथ में कंपनी भी मस्त है और ट्रेनिंग होने वाली है ऑफ रोड, तो ऑब्वियसली सीखने को मिलेगा डेफिनेटली। और मेरा पर्पस ये है कि यार ये काफ़ी यू नो पावरफुल और बड़ी बाइक है, और ऑनेस्टली जब मेरे पास मल्टी स्ट्राडा थी तो मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो उसको मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से और वीडियो देख देख के और जितना मुझे समझ आ रहा था मैं चला रहा था एंड आई डिड ओके। बट इससे प्लान है कि काफ़ी लंबी राइड्स करनी है, ऑफ रोड सीखना है, तो मुझे लगा कि यू नो एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए तो इट विल बी बेटर।
और व्हाट बेटर ट्रेनिंग देन द बीएमडब्ल्यू गाइस देमसेल्व्स, राइट? देखिए गाइस, आपको गोप्रो में समझ आ रहा है कि नहीं, बट इफ यू लुक एट द साइड, पूरा कोहरा ही कोहरा है और अमेजिंग। ये दुबई के बाहर की साइड में होता है अर्ली मॉर्निंग्स में। अभी 7:05 हो रहे हैं और थोड़े थोड़े बादल भी हैं, इसलिए सूरज देवता भी निकले नहीं है, बट वाओ, देयर इज फॉगिंग ऑन माय विंडशील्ड ऑलरेडी। मैंने पिन लॉक लगाया नहीं था, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह का वेदर मिलने वाला है, बट अमेजिंग। देखिए सामने, देखिए बिल्कुल कोहरा ही कोहरा। गाइस यहाँ पे देखिए और गहरा हो गया है कोहरा, और अभी हमको साथ में चलना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं चलेगा कि कब एग्जिट आ रहा है और कब हमको हाईवे पे जाना है, और अगर यहाँ मिल रहा है तो हाईवे पे भी मिलने के बहुत चांसेस हैं। बड़े बीएमडब्ल्यू के साथ मैं पहली बार चला रहा हूँ कोहरे में। एक बार हम गए थे दुकाती की राइड पे, वहाँ भी मिला था मुझे। तो देखिए, आपको ये पार्किंग लाइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज़ काफ़ी जो व्हीकल्स हैं वो स्लो हो जाते हैं और फिर उसमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, और आपको एग्ज़िट से भी लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो या थोड़ा सा आपको, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, स्पेशली जब आपको एग्ज़िट लेना है। वाओ, लुक एट दिस मैन। किसने सोचा था दुबई में ऐसे कोहरे में चलाऊंगा बाइक पर। वाओ, इज नथिंग विजिबल एट ऑल। वाओ, ओके, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, वी आर मर्जिंग इन टू अ मेजर हाईवे नाउ। आपको दिखेगा लेफ्ट साइड से गाड़ियां आते हुए, तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एकदम से गाड़ी आएगी, पता भी नहीं चलेगा। GoPro में कितना समझ आ रहा है, बट आपको देख के आए आई एम श्योर पता लग रहा है कि विजिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल लो हो चुकी है। हमारी स्पीड्स भी कम हो गई है, ये 130 की रोड है, हम 100 के हिसाब से चला रहे हैं। वाह, ये पता नहीं कितने टाइम तक रहने वाला है। बारा एक्सट्रीमली लो विजिबिलिटी, इतनी लो विजिबिलिटी मैंने आज तक कभी नहीं चलाया है दुबई में। आई एम सॉरी गाइज, मुझे विंडशील्ड थोड़ी ऊपर रखनी पड़ेगी, मैंने पिन लॉक नहीं लगाया हुआ है और इसलिए काफ़ी मॉइस्चर आ रहा है अंदर। लेट्स सी, होपफुली वी शुड बी गुड। फॉग तो और गहरा होता जा रहा है और पूरी विंडशील्ड गीली हो गई है। अगर मेरे ख्याल से यहाँ पिन लॉक होता तो भी काम नहीं आता, बट ये पूरी विंडशील्ड गीली हो गई है और बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ विजिबिलिटी लो होने का सिंपल ये है कि आपको ब्रेकिंग कब करनी है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और ऑब्वियसली जो ट्रैफिक चल रहा है वो तो चल ही रहा है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर वीकेंड ड्राइव्स और राइड्स, एंड देयर इज इनफ ट्रैफिक इन दिस फॉग टू मेक यू वरी। चलिए गाइस, आई थिंक
चलेगा फॉग थोड़ी देर तक, कुछ क्लियर होता है तो मैं वापस आपसे बात करता हूँ। देखिए गाइस, सनलाइट जैसे जैसे पड़ रही है पूरा कलर चेंज हो रहा है रोड का। आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा है, मैंने थोड़ी देर के लिए विंडशील बंद करी है जो आप सुन सकें। तो ये जो है ये अभी ऊपर से सूरज गिर रहा है और देखिए पूरा कलर चेंज हो रहा है। वाओ, इट्स अमेजिंग टू राइड इन दिस वेदर, अमेजिंग। आई थिंक अब विजिबिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी थोड़ा आगे जाके, जैसे हम डेजर्ट क्रॉस कर रहे हैं। डेजर्ट में एक्चुअली पूरा ही आप देखेंगे इट्स कम्प्लीटली फॉगी इन द मॉर्निंग्स, क्योंकि ठंड हो जाती है रात को और काफ़ी लोग यहाँ बारबेक्यू भी करते हैं, तो ये कम्प्लीटली फॉगी हो जाता है गाइस। बस व्हाट अ सीन, लुक एट दिस, अमेजिंग। तो अभी काफ़ी साफ हो गया है, इतना कोहरा नहीं है और मैं वाइज़र बंद करके भी चला पा रहा हूँ थोड़ी देर तक। आगे का पता नहीं, आगे हो सकता है वापस कोहरा मिल जाए, बट लुक एट द सनराइज़, कोहरे के बीच में सनराइज़ का मज़ा ही अलग होता है गाइस। चलिए आई थिंक अब थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, हमने काफ़ी स्लो किया है यहाँ तक, तो थोड़ी स्पीड पकड़ के कैचअप करते हैं डिस्टेंस। गाइस पहले आपको सूरज दिखाया था, अब आप चांद देखिए। वाह, क्या पूरा चांद दिख रहा है। आई डोंट नो ग्रोपुर में कितना समझ आ रहा है, बट मुझे पूरा कंप्लीट 100% चांद दिख रहा है। व्हाट एन अमेजिंग राइड ना, सुबह सुबह ये सारे दर्शन हो जाए तो और क्या चाहिए आपको। यहाँ अभी हम एक और एग्जिट लेंगे एंड देन वी विल बी ऑन आवर वे। क्या रोड्स थी और क्या मौसम था गाइस, मज़ा आ गया। मुझे चलाने मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आप लोगों को देखने मज़ा आ रहा होगा। भाई साहब आज तो बादल, पहाड़, बारिश, फॉग, सब कुछ देखने को मिल रहा है। सामने देखिए क्या नज़ारा है, अमेजिंग। ऐसा लग रहा है हम कहीं शिमला में या मनाली में आ गए गाइस। हैव अ लुक एट दी सीनरी, अमेजिंग। पूरा बादल और पहाड़, ये नया कुछ फ्लाईओवर टाइप बन रहा है, अमेजिंग। तभी पहाड़ी वाला रास्ता कंटिन्यू रहेगा करीब 30-35 किलोमीटर और उसके बाद हमारा स्टॉप है जहां हम सब मिलेंगे। बट वाओ, देख के मज़ा आ गया, अमेजिंग अमेजिंग सीनरी। ये पहाड़ देखिए गाइस, कम्प्लीटली बादलों में ढका हुआ है। GoPro में कितना समझ आ रहा है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इट्स लुकिंग अमेजिंग। आई थिंक 8 बज गए हैं, 8:30 के करीब हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। ऑलमोस्ट देयर, तो आपको वहां पहुंच के मिलता हूं मैं। तब तक आप सीनरी इंजॉय कीजिए। क्या खतरनाक राइड थी गाइस, फॉग, मिस्ट, हेलमेट के वाइजर पे पूरा पानी, हालत ख़राब हो गई थी, बट अमेजिंग राइड थी, मज़ा आ गया। ऐसे वेदर में राइड करके लगता है कि बाइक और बाइक लेना वर्थ है। अभी हम हत्ता पेट्रोल पंप पे पहुंच गए हैं। ये जो है ये सेकंड वो था मीटिंग पॉइंट, कुछ लोग डायरेक्टली आ रहे थे हत्ता और कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो अब यहाँ से वहाँ हमको ट्रेनिंग साइट पे जाना है। लेट्स होप इसी तरह अमेजिंग रहे राइड जहाँ अभी तक है। और बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, इट्स एक्चुअली वेरी कोल्ड, पूरा रास्ता काफ़ी कोल्ड है।
तो चलिए गाइज यहाँ पे हल्का सा ब्रेक लेते हैं, अगर कॉफ़ी वॉफी का चांस मिला तो कॉफ़ी पीते हैं, नहीं तो पानी पीते हैं। और ये देखिए बाइक दिखा देता हूँ आपको, ये बाइक है तो आप देखेंगे मैंने ये लगवाया है वंडरलिश का, और नीचे ट्रे लगवाई है वंडरलिश की, और टायर्स मेन चीज़ टायर्स है STRs रैली के ऑफ रोडिंग के लिए। अमेजिंग लग रही है, और ये टायर्स एक्चुअली सूट करते हैं एडवेंचर टाइप टायर्स, इसको बिल्कुल सूट करते हैं।